बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। मेरा नाम जवाद है और अब बात करने वाली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की है ना, क्या होता है। तो बात करते हैं सीधे सीधे वर्ड्स के नाम पर करेंगे, वर्ड्स पर बात करेंगे। ह्यूमन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप ना, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं, जीनोम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं ना, जीनोम क्या होता है इसके बारे में। इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, HGPV बोल देते हैं उसको, है ना, HGPV बोल देते हैं। क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, जीनोम क्या होता है ना, बात करनी है हमें जीनोम क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है जीनोम, क्या होता है इसको बोलते हैं जीनोम, तो मैं बता देता हूं आपको। हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीनोम होते हैं ना, या बोल सकते हो वन हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या बोलेंगे हम, जीनोम बोलेंगे ना। मतलब क्या हुआ, वन हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का हम बात करते हैं। देखो जैसे कि आप मालूम है आपको कि ह्यूमन सेल के, मैं ह्यूमन सेल बनाता हूँ ना, ये ह्यूमन सेल बनाया मैं, ह्यूमन सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे, क्या होंगे न्यूक्लियस इसके अंदर, क्रोमोसोम होंगे है ना, बहुत सारे क्रोमोसोम पड़े होंगे यहाँ पर। आप जानते हो क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, 23 पेयर होते हैं, 33 पेयर होते हैं, सिंपल सी बात है ना, आप जानते हो सब। 33 पेयर में से 22 पेयर तो क्या होते हैं, वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर होता है 23rd वाला पेयर, तो वन पेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलोसोम्स, एलोसोम्स, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, इनको सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम है ना। अच्छा ये जो सेक्स क्रोमोसोम मैंने बनाया, एक वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो बनाया मैंने, इसको डाल देता हूं। जो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ये वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो होता है ये मेल में अलग तरीके का होता है, फीमेल में अलग तरीके से होता है, मेल में कैसे होता है और फीमेल में कैसे होता है आप जानते हो ना, सिंपल सी बात है। मेल में क्या होता है, मेल में होता है एक्स वाई होता है, ऐसे होता है, फीमेल होता है एक्स एक्स। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या कहता है कि क्रोमोसोम वन उठाएंगे, मान लीजिए क्रोमोसोम वन है, क्रोमोसोम वन पेयर में है ना, तो इसके ऊपर जो जीन्स रखे होंगे उसी तरह के जीन्स पैटर्न वही होगा यहाँ पर भी है ना, पेयर पेयर होते हैं ना जीन्स भी, जीन्स भी पेयर में है ना, तो जैसे जीन्स यहां पर रखे हुए हैं जिस तरह का सीक्वेंस यहां पर होगा उसी तरह का सीक्वेंस यहां पर होगा है ना, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जैसा यहां पर होगा वैसे ही यहां पर होगा है ना। तो एक पेयर में दोनों जीन दोनों क्रोमोसोम की कॉपी ना करने के सीक्वेंसिंग करी ना हमने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करते हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम उठाएंगे और उसकी कॉपी मार देंगे, मतलब उसमें सीक्वेंसिंग में क्या लिखे हुआ है, क्या क्या सीक्वेंस हुआ है उसको उसको सीक्वेंस कर देना है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना। अब देखो मैं बात करता हूं थोड़ा, तो अगर मैं बात करूं कि 22 पेयर में से तो एक क्रोमोसोम उठा लेंगे सब में से है ना, 20 पहला क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम उठा लेंगे, फिर 22 पेयर में से 22 क्रोमोसोम ले लेंगे, क्योंकि हर क्रोमोसोम कैसा होगा पेयर में होगा, तो पेयर का सीक्वेंसिंग करने का और मतलब नहीं है, सीक्वेंसिंग हमें करनी है कोडोन्स की या बोल सकते हो आप न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की कॉपी करनी है, तो न्यूक्लियोटाइड जो यहां पर होंगे वही यहां पर होंगे, कहने का मतलब क्या समझ रहे थोड़ा है ना, तो इस क्रोमोसोम की करो या फिर इस क्रोमोसोम की करो, सीक्वेंसिंग तकरीबन सेम आने वाली है, तो क्यों ना एक क्रोमोसोम की कर लिया जाए, पेयर में से सिर्फ एक का कॉपी कर लिया जाए, तो वैसे ही 22 क्रोमोसोम की यहां से कॉपी होगी, और वन पेयर जो ये बचा इसमें अगर फीमेल में लोगे तो फीमेल में सिर्फ किसकी कॉपी करनी पड़ेगी, या तो इसकी कर लो या फिर या तो इस वाले एक्स की कर लो या फिर इस वाले एक्स की कर लो है ना, लेकिन अगर मेल की बात करोगे तो एक्स की भी करनी पड़ेगी और वाई की भी करनी पड़ेगी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए हमें 22 क्रोमोसोम तो यहां से ले लें, और सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल की बात करोगे तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम की कॉपी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेल की बात करोगे तो 24 क्रोमोसोम होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे है ना, तो उनकी सीक्वेंसिंग करना कि कैसे किस तरीके से डीएनए की डीएनए पे किस तरह से न्यूक्लियोटाइड अरेंज है
उनकी सीक्वेंसिंग को जानना कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। को समझना है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं कि 22 क्रोमोसोम यहां पर इनकी सीक्वेंसिंग करेंगे, एक क्रोमोसोम यहां पर है, मेल फीमेल में तो सेम है दोनों में है ना, तो या तो इसकी कर लो कॉपी या फिर इसकी कर लो कॉपी, लेकिन मेल में क्या है दोनों के डिफरेंट है तो इसकी भी कॉपी करनी पड़ेगी, यहां पर इसकी भी कॉपी करनी पड़ेगी दोनों, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या होगा पैटर्न क्या होगा सीक्वेंसिंग क्या होगी अलग अलग होगी। तो 22 क्रोमोसोम ये, 23वां ये और 24वां ये, तो 24 क्रोमोसोम की कॉपी को क्या बोलते हैं ह्यूमन, इनकी कॉपी इनकी सीक्वेंसिंग को बोलेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना। तो 24 क्रोमोसोम का होता है ना ये सुनना है। अब सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है मैं बताता हूं जरा, जैसा आप जानते हो कि ये होगा डीएनए इस तरह से कुछ, यहां पर चीजें लगी होती है ना, क्या लगे होते हैं आप जानते हो, राइबोस राइबोस शुगर होता है, फास्फोरस होता है ग्रुप, और सेंटर में लगा होता है न्यूक्लियोटाइड, वही मेन है ना, ए टी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, मान लो सी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, टी सी सी टी ए ए सी, इनकी सीक्वेंसिंग इनको जानना है ना। मान लो क्रोमोसोम नंबर वन क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर वन की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह से लिखा होगा, इसी को जानना, इसी को इस सीक्वेंसिंग को क्या करना जान लेना, इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये मकसद था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि इन सीक्वेंसिंग को जान लेना कि पहले क्रोमोसोम पे कौन सी, अब कितना लंबा हो जाएगा है ना, समझ लो बहुत लंबा हो जाएगा ना, ये सीक्वेंसिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था है ना, शानदार प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट था ना। इसका मकसद क्या होता है प्रोजेक्ट का वो भी हम बात करेंगे है ना। तो पहले बात करते हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कब स्टार्ट हुआ है ना, तो शुरू करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 1990 में, जब हमें से कोई भी नहीं आया था, मैं भी नहीं आया था इनफैक्ट 1990 में, मैं तो बहुत बात आया 1990 में स्टार्ट हुआ था, 13 साल का प्रोजेक्ट था ये, 13 ईयर प्रोजेक्ट माना जा रहा था कि इसको 13 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए 13 साल लगेंगे, और माना जा रहा था कि ये 13 साल लगेंगे, तो 1990 में स्टार्ट हुए तो 2003 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था ये प्रोजेक्ट, तो टू बी कंप्लीटेड बाई 2003, 2003 तक कंप्लीट होना हो जाना चाहिए था, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ क्या, हाँ रहेगा बस मसला पड़ गया है ना, देखो तकरीबन हो गया था पूरा, तकरीबन पूरी सीक्वेंसिंग हो गई थी, लेकिन कुछ दिक्कत आई, सीक्वेंसिंग तकरीबन सब की हो गई थी ना, सिर्फ बचा था पहला क्रोमोसोम। अच्छा सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा होता है, क्रोमोसोम जो होता है पहला उसके ऊपर क्या लिखा होगा वन, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो होता क्या है कुछ सीक्वेंसिंग होती है ना, सीक्वेंस कैसे, कौन सा क्रोमोसोम वन कहलाएगा, कौन सा क्रोमोसोम टू कहलाएगा, कौन सा 23 कहलाएगा, कैसे बात करेंगे इसकी, तो आप शायद जानते हो कि कैरियोटाइपिंग होती है एक चीज है ना, कैरियोटाइपिंग में क्या होता है क्रोमोसोम जो सबसे बड़ा होगा ना, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होगा उसको बोलेंगे हम वन है ना, और जो उससे छोटा होगा उसको बोलेंगे टू, और जो उससे छोटा होगा उसको बोलेंगे थ्री, कुछ इस तरह का सीक्वेंसिंग होती है ना, तो सबसे बड़े क्रोमोसोम को बोलते हैं वन, तो क्रोमोसोम जो नंबर वन है वो सबसे बड़ा होता है, और यहां पर हुआ क्या कि 2003 तक आते आते सारे क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग तकरीबन हो गई थी, सिर्फ बचा था क्रोमोसोम नंबर वन, तो उसकी सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी, तो सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम वन कब आके हुई 2006 है ना, तो 3 साल लेट हो गए हमारे प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर वन, जिसका साइज क्या होता है सबसे बड़ा होता है, एक सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, इस वजह से इसकी सीक्वेंसिंग करने में टाइम लग गया। अच्छा इस प्रोजेक्ट की आप देख लो एक बार, आगे मैं बताता हूं। अच्छा इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट है
ये प्रोजेक्ट जो है ये मेगा प्रोजेक्ट है। काय को भैया, तो मेगा प्रोजेक्ट का मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है ना, बड़ा, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ा प्रोजेक्ट का मतलब ये दो तरीके से बड़ा है, तो इसमें काम बहुत है, इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बहुत होगा, पहली बात ये काम करने को भी बहुत है इस प्रोजेक्ट में। दूसरी बात क्या कि इसमें पैसा बहुत लग रहा था, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था, तो काम करने के लिए और पैसा पैसा के एतबार से ये मेगा प्रोजेक्ट है ना। काम भी बहुत हो रहा था इस प्रोजेक्ट में और काम भी बहुत ज्यादा था और इसमें पैसा भी बहुत लग रहा था ना। तो पहले बात करते हैं कि इसमें पैसा कितना लग रहा था, मेगा प्रोजेक्ट इसमें पैसा कितना लग रहा था। तो एस्टिमेटेड निक्लोडेट कितने हमारे पास, बेस पे कितने है ना, तो एस्टिमेटेड तीन बिलियन ऐसे लिख सकता हूं बेस पेयर से, ये एस्टिमेटेड बेस पेयर हमारे, ये हमारे एस्टिमेटेड बेस पेयर। एस्टिमेटेड बेस पेयर थे हमारे ना, और माना जा रहा था कि $3 लगेगा, $3 लगेगा, यूएस ऐसे लिख देते हैं $3 लगेगा एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करने के लिए है ना, ईच बेस पेयर ऐसा लिख देता हूं, ये माना जा रहा था, ये माना जा रहा जगह था यही था ना कि एक बेस पेयर की कॉपी करने के लिए सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें कितना चाहिए, वन बेस पेयर सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें $3 चाहिए है ना। तो यानी कि टोटल प्रोजेक्ट कितने कितने का हो गया, कितने का हो गया टोटल प्रोजेक्ट, टोटल प्रोजेक्ट हो गया तो हमें 300 मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो 9 × 10⁻⁹ मतलब 9 बिलियन $ का प्रोजेक्ट हो गया ये। तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत शानदार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैसा, पैसे के बार सामने दिखा कि बड़ा प्रोजेक्ट है, बात करते हैं आगे इसको देखो, फिर बात करते हैं और काम कितना था इसमें। तो टोटल सीक्वेंसिंग अब हम देखते हैं काम के अखबार से ना, ये तो था पैसे के अखबार से, इसको डालता हूं देखते हैं जरा कि मेगा प्रोजेक्ट ये काम के अखबार से माना जा रहा था कि इसको सीक्वेंसिंग अगर की जाएगी, अगर बुक की फॉर्म में सीक्वेंस किया जाए इसको ना, इन दी फॉर्म ऑफ बुक, बुक की फॉर्म में अगर सीक्वेंस किया जाए, अगर इसको सीक्वेंस किया जाए, सीक्वेंसिंग इन बुक, तो तकरीबन अगर 1000 पेज हो एक बुक में पर बुक, 1000 पेजेस हो एक बुक में 1000 पेजेस हो और हर पेज पे एवरी पेज हैज 1000 लेटर है ना, हर पेज पे 1000 लेटर हो और एक बुक में 1000 पेज हो, तो ऐसी कितनी बुक बन जाएगी, ऐसी 3300 बुकें बन जाएगी, ऐसी 3300 बुक बन जाएगी। जरा सोचो कितनी बढ़ जाएगी इसकी 3300 बुक का, कम लगाएगा कि तकरीबन हो जाएगा 100 से 150 माले की बिल्डिंग के बराबर हो जाएगा इसकी लेंथ, तकरीबन 100 से 150 माले की बिल्डिंग है ना, 100 to 150 फ्लोर की बिल्डिंग हो जाएगी, इतना इतनी चौड़ाई लंबाई हो जाएगी इसकी है ना, इतना ऊंचा हो जाएगा ये, तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा इसको बुक में रखना आसान नहीं है, तो हमें कंप्यूटर में रखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में रखना पड़ेगा, नए नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसके, इसलिए नए नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा, और वो अब ज्यादा डाटा रखा जाएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, तो कंप्यूटर भी ऐसे बनाएंगे जिनकी स्पीड हाई होनी चाहिए है ना, तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उनके बारे में बात करते हैं। मेगा प्रोजेक्ट हमने देखा पैसे के एतबार से और काम के एतबार से, अब देखते हैं कि कुछ एक चीज आती है, एक नाम आती है बायो इन्फॉर्मेटिव, बायो इन्फॉर्मेटिक्स
ये क्या कि एक ब्रांच है, एक ब्रांच है एक नई है ना साइंस की फील्ड में, जिसमें क्या हुआ सॉफ्टवेयर बनाई गई ज्यादा से ज्यादा डाटा को स्टोर करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा को स्टोर प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए थे, तो उस तरह की ब्रांच को बोलते हैं क्या इन्फॉर्मेटिव्स, है ना। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने वाला, उसको प्रोसेस करने वाला, ऐसी ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिव, है ना। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन्फॉर्मेशन को स्टोर प्रोसेस और एनालाइज करने वाला एक ब्रांच। अच्छा अब जरा बात करते हैं कि ये इतना पैसा लग रहा था इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ है ना, कौन कौन सी कंट्रीज ने पैसा लगाया इसमें, है ना, इस मिशन। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, फिर यूके का भी एक डिपार्टमेंट आया है ना, इसको बोलते हैं वेलकम ट्रस्ट, वेलकम ट्रस्ट था, वेलकम ट्रस्ट। ये कहां का था, यूके का था, यूके का एक ट्रस्ट था, इसने पैसे लगाया हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट कराने के लिए यूएस ने पैसे लगाया, है ना। उसके बाद चाइना है हमारा, है ना, चाइना है, फ्रांस है, इन्होंने पैसे लगाया, जर्मनी ने पैसे लगाया, इन लोगों ने पैसे लगाया, और जापान है ना, जापान। तो बड़े बड़े शहरों ने, बड़े बड़े मुल्कों ने, है ना, बड़े बड़े कंट्रीज ने इसको पैसा लगाया, इसको पैसा लगाया कि भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कराओ, फायदा होगा हमारा, है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं चली जाएगी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी। और एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने भी अगला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होने के लिए योगदान दिया। तो आगे बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, गोल्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, और बाकी सारी बातें आगे शुरू हुआ है, बाकी बातें करते हैं बाद में, ना कंटिन्यू रहेगा।